गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स असलम हाउ आर यू ऑल सो आर ऑल फाइन आर यून यूनिट नंबर थ्री मयट्स पेज नंबर एटी सेवन मयरिंग कैपेसिटी द कैपेसिटी इज मयर थ्रो डिफरेंट साइज ऑफ वेरियस कंटेनर्स लाइक जग लाइक ग्लास एंड लाइक बाउल अब हम देखेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है हम पानी डालते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा बाउल में ग्लास में और जग में यकीन जग में सबसे ज़्यादा पानी आएगा क्यों क्योंकि जग की कैपेसिटी ज़्यादा है द बिगेस्ट कंटेनर हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी जो बर्तन जितना बड़ा होगा उसमें चीज़ आने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी फॉर एग्ज़ाम्पल जग द स्मॉलेस्ट कंटेनर हैज़ स्मॉल कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल बाउल हमने देखना है कि कौन से कंटेनर में कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा चीज़ आएगी उन्होंने कहा है कि जो चीज़ जितनी बड़ी होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी और जो चीज़ जितनी छोटी होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होगी लुक सर्कल द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर कैपेसिटी लुक एट द टेन पैक एंड द बॉटल दिस बॉटल माइट बी वन पॉइंट फाइव लीटर एंड दिस दिस टिन पैक माइ पी फिफ्टी एम एल तो बताएं कि टिन पैक की कैपेसिटी ज़्यादा होगी या बॉटल की ओबियसली बॉटल की कैपेसिटी ज़्यादा होगी वी कैन सर्कल द बॉटल लाइक दिस लोकेट द नेक्स्ट वन व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स दिस इज अ टी पॉट एंड वॉट इज दिस दिस इज अ कप तो बताएं एक कप में टी पॉट में ज़्यादा टी आएगी या कप में टी पॉट से तो हम बहुत सारे कप में चाय डाल सकते हैं तो हमारे टी पॉट में ज़्यादा टी आएगी और कप में कम तो हमने टी पॉट को सर्कल करना है लाइक दिस सर्कल द ऑब्जेक्ट विद स्मॉलर कैपेसिटी हमने उसको उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जिसकी कैपेसिटी कम होगी अब जग में ज़्यादा पानी आएगा या ग्लास में जग में आएगा ना तो हमने जो कम चीज आएगी जिसमें उसको सर्कल करना है तो ग्लास में कम आएगी यू कैन सर्कल द ग्लास लाइक दिस लुक एट द नेक्स्ट वन दिस इज अ शॉवर बॉटल एंड दिस इज अ फीडर तो हम फीडर को सर्कल करेंगे कि इसकी कैपेसिटी लो है डेट्स योर होमवर्क स्टूडेंट ऑल्सो राइट एच और डब्ल्यू डेट एंड डे रीड केयरफुली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हाफिज़